कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ में। संजय जी, बताइए, आपने जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कांग्रेस को जो है सेना के साथ में नहीं जाना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है? दो कारण है इसका। पहला कारण तो यह है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है वो एक दिखावा है, एक बहुत ही फर्जी किस्म का नाटक चल रहा है और ये नाटक खत्म हो जाएगा। शिवसेना अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए या सत्ता में ज़्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए इस प्रकार के खेल खेल रही है और कांग्रेस पार्टी उस खेल के ट्रैप में फंस रही है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यानी एक दो दिन के, दो चार दिन के अंदर सरकार बनाएंगे, पिछले 2014 से आप देख लें तो शिवसेना का यही खेल रहा है, तो ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं, ये इस तरह से कि एक पत्थर फेंक के तमाशा देखते हैं उसके बाद फिर साथ में चलने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि सरकार बनाने का कोई शॉर्टकट रूट नहीं होता, कोई पिछला दरवाजा नहीं होता। हम चुनाव बढ़िया से नहीं लड़े, हार गए, आज उनके पास ज्यादा सीट है संसदीय जनतंत्र में, जिसके पास ज्यादा नंबर होता है उसकी सरकार होती है, उनको सरकार बनाने दीजिए। अब एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार कैसे फेल होती है उसको उजागर करिए और अगले चुनाव में जनता का विश्वास लेकर सरकार बनाने की दिशा में काम करिए। लेकिन ऐसे में जब ये दोनों का झगड़ा चल रहा तब ये कहना कि शिवसेना से कोई प्रस्ताव आएगा तो हम सरकार बनाने के बारे में सोचेंगे, ये सरासर गलत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक खराब दौर से गुजर रही है। हमारा जो अपना एक वो था जनाधार था वो काफ़ी सिकुड़ता चला जा रहा है, जो कुछ बचे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं इसलिए बचे हैं। तो अगर आप शिवसेना से हाथ मिलाते तो आपकी विचारधारा में जबरदस्त एक बिखराव आएगा, उस बिखराव की वजह से आपका जनाधार और कमजोर होगा, टूटेगा, ऐसी मेरी आशंका है। इसके अलावा जैसे कि आपने दोनों पार्टी में काम किया है, सेना में भी काफी करीब से आपने देखा है, आप अखबार में भी थे वहां पर और सब पता है आपको कि शिवसेना में कैसे चलता है और कांग्रेस में भी कई सालों से है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि कोई पार्टी उसका फायदा उठाए? नहीं, कांग्रेस के पास 44 एमएलए तो हैं इतने कम भी नहीं है, लेकिन सिर्फ 44 एमएलए शिवसेना के साथ जाके क्या कर लेंगे? अभी एनसीपी की तरफ से कोई भूमिका स्पष्ट ही नहीं है। शरद पवार साहब ने तो पहले दिन से कह रखा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ सरकार बनानी चाहिए, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बिना वजह उछल उछल करके शिवसेना के साथ जाने का जो एक एक एक, एक भूमिका दिखा रही है उससे क्या होगा? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक संभ्रम निर्माण होगा, उनके अंदर एक उलझन तैयार होगा। कांग्रेस के जो मतदाता हैं, कांग्रेस के चाहने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं हो सकता, इस तरीके से हम और कमजोर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक शिवसेना की बात है तो मैं तो 25 साल से देख रहा हूं शिवसेना को, वैसे ही बीजेपी से झगड़ा करते हैं, बाद में बीजेपी के साथ बैठ जाते हैं। पूरे 5 सालों में देख लीजिए, बीजेपी की सरकार में दिल्ली से लेकर मुंबई तक साथ में रहे और हर दिन सामना में या कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो सरकार की आलोचना करते रहते, बाद में सरकार में बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा करके कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दांव या बड़ा राजनीतिक खेल नहीं खेल सकती। लेकिन ऐसे में कुछ कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी से भी मिल रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है, मेरे पास अधिकृत तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अखबारों में मैंने उड़ते उड़ते कई खबर पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको लगता है कि अब इस हालत में अगर कांग्रेस शिवसेना को सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सुसाइड होगा ये? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को शिवसेना को कतई सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और अगर सपोर्ट करने गए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये हाराकिरी होगी। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।